हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 12th की दूसरा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के लेक्चर नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पीछे हम इस चैप्टर के 6 लेक्चर का वीडियो चढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पे जाके देख लें ताकि आपको रिजल्ट बेहतर से मिल सके और जो हम लिखाते हैं वही आपके एग्जाम में आता है, इतना विश्वास मान लेना। अगर जिस दिन हम लिखाते हैं नहीं आएगा आपके हमारे नोट्स से, उस दिन पढ़ाने के लिए छोड़ दें। तो बाहर बिना लेट किए चलते हैं। आज लाए परागकण जनित एलर्जी और बाहर परागकण की जीवन क्षमता और पॉलिन पाइपलाइन। तो समझते जाइए धीरे धीरे, करते करते आपको एक टॉपिक समझा के भेजेंगे और लास्ट में एक गाना सुनाएंगे जो बहुत ही मजा आएगा कि बड़े तू है बेवफा सनम, अरे बायोलॉजी बोल के तू मैथ से काहे ना रिवीजन करेगी, अरे कि बड़ू है तू बेवफा सनम, कि बड़ू है तू बेवफा सनम, अरे बायोलॉजी बोल के तू मैथ से काहे एडमिशन कराए रह, वो वाला गाना आपको सुनाए जो हम अपने से लिखे मामूलो। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहे। लेकिन बोले परागकण जनित रोग एलर्जी, परागकण जनित एलर्जी है क्या सर? तो परागकण से जो हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं परागकण जनित एलर्जी। लिखा है पौधों की अनेक प्रजातियों परागकण की बहुत सारे प्रजाति, उन सभी प्रजातियों के परागकण जो बनते हैं वो कुछ लोग के लिए, कुछ लोगों में और गंभीर एलर्जी तथा श्वसनी वेदना पैदा करते हैं। एलर्जी और श्वसनी वेदना माने ब्रोंकाइटिस अफिक्शन पैदा करते हैं। तो बाहर पौधों की अनेक प्रजातियों के परागकण पॉलिन में कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी तथा श्वसनी वेदना पैदा करते हैं। घासों में दुग्ध घास, खरपतवारों में पार्थेनियम, वृक्षों में देवदार। देखो देखा जाए सर एग्जाम्पल दिखाइए तो घासों में देखा जाए दुग्ध घास, खरपतवारों पार्थेनियम और वृक्षों में देवदार आदि के जो पॉलिन ग्रेन होती है परागकण, वह एलर्जी क्या करते हैं? एलर्जी का कारण मान इन सभी का जो परागकण होते हैं उस सभी से एलर्जी उत्पन्न हो सकते हैं। आगे लिखा हुआ है सर खरपतवार क्या है इसके बारे में बताइए। तो खरपतवार समझ लेना है क्या, तो बाउरी जो हम लोग प्लांट्स जो लगाते हैं, पौधों जो लगाते हैं उस पौधा के साथ उसके बगल में जो नए प्लांट्स उगते हैं और वो प्लांट्स उस फसल के लिए नुकसानदायक होता है, उस घास को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार पार्थेनियम घास दुग्ध घास वृक्षों में दाल आदि के पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं एनर्जी उत्पन्न। आगे देखते हैं परागकण, जो परागकण जो बनते वाले परागकण अगर नाक द्वारा प्रवेश कर श्वसन मार्ग रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन पतला सा झिल्ली, इस श्वसन मार्ग में पतला सा झिल्ली होता है नाक से प्रवेश किया हवा ड्राई किया फेफड़ा, इस श्वसन संबंधी अंग है। तो बारे नाक पर प्रवेश कर श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली पर जमा हो जाते हैं प्राण, जिनके परिणाम स्वरूप जिनके कारण कौन स्वरूप दमा दमक आने मतलब अस्थमा और श्वसनी स्रोत मानी ब्रोंकाइटिस एटिस के रूप में विकसित हो जाते हैं। अगर नाक द्वारा परागकण प्रवेश किया है तो प्रवेश किया है तो बाउरी तो झिल्ली वही परागकण आपके म्यूकस झिल्ली पर बैठ जाएगा, बैठने के बाद दमा श्वसनी सूत्र नामक रोग उत्पन्न हो जाएगा विकसित हो। नोट पॉइंट लिखाया हम कि इंडिया में पार्थेनियम जो बॉडी पार्थेनियम जो खरपतवार है ये पार्थेनियम को गाजर घास से करते गांव नाम इसका है कैरोट ग्रास, कैरोट ग्रास कहने का मतलब बॉडी गाजर घास, पार्थेनियम के गांव नाम गाजर घास कहां से आया है तो अमेरिका से आया है, केकरा साथ आया तो गेहूं के साथ आया, लेकिन आयतित गेहूं आयतित मैंने चक्कर साथ आया। सर जो अनाज या जो व्यक्ति या कुछ भी अगर दूसरे देश से हमारे देश में आया आया आयतित, अगर गया तो निर्यात, आयात निर्यात आप साइंस सोशल साइंस पढ़े क्लास टेन, आयात मैंने आना निर्यात मैंने जाना, हमारे देश से निकल के दूसरे देश में जाना उसे निर्यात करते हैं, आवाना बने आयात करते हैं। बोले लिखे क्या
सर यह जाति जो पार्थेनियम है, ये पार्थेनियम जाति इंडिया में इतने तेजी से फैली है कि बावरी इसको आज हटाना एक गंभीर चुनौती। सर हमको समझ में नहीं आ रहा पार्थेनियम है क्या, समझ में आ रहा है तुम्हारे तो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद तुरंत क्रोम पर जाओ और सर्च मारो पार्थेनियम ग्रास, तो आपको फिगर आ जाएगा, इमेज पे मारना आपको फिगर दिखा देगा, तो आपको माइंड में सेटल हो जाएगा। सर अब आगे बताइए परागकणों की जीवन क्षमता, अगला टॉपिक है बॉडी परागकण की जीवन क्षमता, पहला टॉपिक परागकण यानी कि एलर्जी, समझ में आ गया सर। एलर्जी है क्या ये बताइए, एलर्जी है क्या, एलर्जी के लक्षण कैसे पहचानेंगे एलर्जी। तो देखो कोई चीज छट सट जाता पौधों परागकण मानो सट गया बॉडी, तो सट गया तो कुलकुलाने लगता है, और जब कुलकुलाए तो कुलकुलाते लाल चट्टा की जैसा हो जाता, पीती जैसा होता है, पूछा जाता, वो ये लक्षण है। अगर आंख में पड़ गया तो आंख लाल हो जाएगा, आंसू आने लगेगा, ये सभी बॉडी एलर्जी के लक्षण है। एलर्जी समझ में आ गया कि क्या, अगर सट गया तो कुलकुलाने लगेगा, कुलकुलाए तो कुलकुलाते लाल पीती हो जाएगा, या आंख में पड़ गया तो आंख लाल हो जाएगा, या बॉडी आंसू आने लगेगा, ये लक्षण है एलर्जी के। नोट पॉइंट याद रखना कि पार्थेनियम अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ आया है, जो इंडिया में इतना तेजी से फैला है कि आज हटाना इसको मुश्किल है। लेकिन और परागकणों की जीवन क्षमता, वैलिडिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन, पौधों में परागकणों की जीवन क्षमता, जीवन क्षमता और मिनट से लेके मंथों तक बने रहते हैं, मिनट से लेके महीनों तक, मिनट से लेके महीनों तक बना रहता है परागकण की जो जीवन क्षमता होती है, जीने की शक्ति होती है वो। लेकिन और गेहूं धान बाजरा कहानी का मतलब अपन भाषा, जितने भी अनाज होते हैं खाने वाले पीने वाले, इन सभी अनाजों की जीवन क्षमता बावरी 30 मिनट होता है, कितना मिनट होता है 30 मिनट होता है, हाफ आवर। तो बावरी गेहूं धान बाजरा के पौधे जो है अपनी जीवन क्षमता 30 मिनट के अंदर खो देते हैं। लेकिन बावरी सूर्यमुखी कुल सनफ्लावर फैमिली के प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अपनी जीवन क्षमता के 3 घंटे के अंदर खो देते हैं, 3 आवर के अंदर। तो सूर्यमुखी कुल कहेगा तो 3 आवर, अगर अनाज कहेगा तो 30 मिनट, अनाज में गेहूं धान बाजरा 30 मिनट, सूर्यमुखी कुल कहेगा तो 3 आवर। अब देखना सर गुलाबवत रोजेसी लेग्यूमिनोसी तथा सोलेनेसी के पॉलन ग्रेन की जीवन क्षमता महीनों तक होता, निश्चित नहीं हो तो महीनों तक होता है। देखो ट्रिक्स याद करा दो, रोजेसी सी आया इसमें, लेगुमिनोसी एक रूम सी आया, सोलेनेसी सी सी आ रहा, रोजेसी लेगुमिनोसी तथा सोलेनेसी, जो सी सी आ रहा है तो समझना सीना क्या, महीना में सीना है तो महीनों में सीना, कोई भी चीज को सीना मतलब सिलाई करना तो महीनों तक लगी है। तो सोलेनेसी लेगुमिनोसी रोजेनेसी सी सी आ रहा है लास्ट में मैंने महीनों तक, ये ट्रिक है दोबारा सब। अब आगे देखते हैं पॉलन बैंक है क्या सर, पराग बैंक है क्या, तो पराग कणों का जहां पर एकत्रित कर रखा जाता है बावरे, जहां पर हम जानते हैं बैंक में जैसे हम लोग के बैंक होता है पैसा रुपया के, उस बैंक में हम लोग पैसा ले जाके जमा करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं, मनी का स्टोर करते हैं, लाइफ के लिए सुरक्षित रहता हूँ, उसी प्रकार पराग कण मानी सब्जी अगर ये 30 मिनट तक ही अंदर रह पाता तो इसको रखेंगे कैसे स्टोर करके आगे भविष्य के लिए, तो उसके लिए बैंक का प्रयोग किया गया। अगर परागकण को पहले लिखा हुआ पहले में यानी पराग वाला में, अगर परागकणों को जहां पर एकत्रित करते हैं, जहां पर परागकण को एकत्रित किया जाता है स्टोर किया जाता है उस बैंक को नाम है पॉलिन में, क्या नाम है पॉलिन, इंग्लिश में बोला जाए तो द बैंक द वे आर द पॉलिन ग्रेन आर द स्टोरेज इज कॉल्ड द पॉलिन में, जहां पे पॉलिन ग्रेन जमा की जाती है उस बैंक के नाम है पॉलिन। ये पॉलिन बैंक में बावरी कौन सा लिक्विड कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो बढ़िया और इम्पोर्टेंट से लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, द्रव नाइट्रोजन हिंदी में बोला जाता है, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस कितना होता है -196 डिग्री सेल्सियस होता है। बड़े प्राग कणों को द्रव नाइट्रोजन अर्थात जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री में भंडारण स्टोरेज किया जाता है, भंडारित पराग कणों का प्रयोग फसल प्रजनन में किया जाता है, ये जो बावरी पराग कणों को स्टोर करके रखे थे उन सभी का बावरी क्या फसल प्रजनन में किया जाता है, फसल को उत्पादन करने में किया जाता है, इस तरह इनसे प्राग कणों को
सर यहाँ के लिए सीमेंट बैंक, तो सीमेंट बैंक मैंने और जितने भी एनिमल्स होती जंतु होती जैसे हम लोग मनुष्य मनुष्य जो मेल से मेल मनुष्य समय हो गया होगा लड़का, तो लड़का से जो मनुष्य प्राणु स्तर में बनता है गरीब बनता है गरीब को किस तरह से स्टोर रखें किस बैंक में, तो जिस बैंक में चाहे मनुष्य हो चाहे जितने भी जानवर होते हैं जंतु एनिमल्स इन सभी का जो वीर्य निकलते हैं वीर्य का जहां पे जमा करते उसे सीमेंट बैंक और मैं ACMEN बैंक मानी सीमेंट बैंक कहा जाता है वीर्य बैंक का। इसमें भी टेम्परेचर -796 डिग्री सेल्सियस हाइग्रोमेलिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग -796 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों में सेमी पॉलीक्रम में पॉलिन को प्राकनों को जमा किया जाता है तो उसमें वीर्य को जमा किया जाता है, इसमें फसल उत्पादन किया जाता है तो उसमें जंतुओं को बनाया जाता है उत्पादन किया जाता है प्रजनन का फर्टिलाइजेशन का। तो इतना समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, हम जानते हैं फिर से देख लेते हैं प्राकन जनित एलर्जी एलर्जी कॉजेड बाय पॉलिनेशन पौधों की अनेक प्रजातियों की प्राप्ति का बहुत सारी प्रजाति पौधे होती है इन सभी प्रजातियों के प्राकन जो होते हैं वो कुछ लोगों में ही गंभीर एलर्जी या श्वसन संबंधी रोग होता है पृथ्वी पर जितना लोग सभी तो नहीं कुछ ही लोग में हो पाएगा हमारे जीवन में सर घासों में दुर्घास घासों में दुर्घास खरपतवार में पार्थिनिया वृक्षों में दुर्घास आदि के पॉलिन ग्रेन एलर्जी का कारक है क्या कारक है एलर्जी प्राकन नाक द्वारा प्रवेश कर श्वसन मार्ग की श्वसन नली की म्यूकस झिल्ली में जाकर म्यूकस झिल्ली पर जाकर क्या हो जाते हैं बॉडी जमा हो जाते हैं और जब जमा होने के कारण दमा श्वसनी स्रोत के रूप में विकसित होने लगते हैं ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। जुड पॉइंट अमेरिका के पार्थेनियम इंडिया में पार्थेनियम अर्थात गाजर घास कैरोट घास अमेरिका से आयातित इम्पोर्टेड वेट के साथ आया क्या कहा आयातित गेहूं के साथ आया लेकिन घास आया अमेरिका से सर यह जाति इंडिया में इतनी तेजी से फैली है कि आज हटाने इसको गंभीर बन चुका है। सर पराग कणों की जीवन क्षमता तो वैलिडिटी ऑफ द पॉलिन ग्रेन पौधों में पराग कणों की जीवन क्षमता मिनट से लेकर मंथ तक है। सर गेहूं जैसे देख लेते हैं गेहूं धान बाजरा जितने भी अनाज होते थे इसके जैसे अनाज मैंने खाने वाला पदार्थ उन सभी का पराग की जीवन क्षमता 30 मिनट ही होता। सर सूर्यमुखी फूल सनफ्लावर फैमिली के प्लांट्स के पॉलिन ग्रेन्स अपनी जीवन क्षमता 3 आवर के अंदर खो देता तो बावरे जो सूर्यमुखी फूल के फ्लावर उसके 3 आवर अनाज जितने धान के उसका 30 मिनट। ये जो रोजेसी है लेगुमिनोसी है सोलेनेसी है अर्थात सीसी लगा हुआ है इसके लिए महीन होता है। पॉलिन बैंक में प्राकरणों का एकत्रित किया जाता है जमा किया जाता है पॉलिन ग्रेन को स्टोर किया जाता है उससे पॉलिन बैंक कहते हैं। प्राकरणों को द्रव नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर -796 डिग्री क्या किया जाता है स्टोरेज किया जाता है भंडारित किया जाता है। सर भंडारित प्राकरण जो स्टोरेज पॉलिन ग्रेन बाउरी निकल द पॉलिन ग्रेन जिसके लिए टेम्परेचर -796 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया हमको विश्वास है बहुत लोग कि आप लोगों की आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा विश्वास है इतना कि आप लोगों के आगे कई बार आप लिख बोलते बोलते हमारा गलत अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बाउरे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बाउरे ताकि हमको मनोमन बचाओ। तो वो जो हम बोले थे गाना सुनाने के लिए गाना भी सुनाएंगे आपको हम बोले थे क्या कि बड़ू तू बेवफा सनम अरे पाइलो जी बोल के तू मैथ से एडमिशन काहे ला करयलू
तू तो मटरी के मिले रोज क्लास में चल, तू हमसे तो बोलत रहलू कि हम बायोलॉजी से एडमिशन कराई। फिर से, तू मैट्रिक के में रोज क्लास में जान, तू हमसे बोलत रहलू कि हम बायोलॉजी से एडमिशन कराई और साथ में पढ़ाई हम तोरे संग करब, और साथ में पढ़ाई हम तोरे संग करब, और क्लास में और वही क्लास में तोरा के हम मास्टरवा से तो खूब पिटाई कराई, खूब मास्टरवा से पिटाई कराई। अरे अरे जेकरा पर भरोसा रहे, अरे जेकरा पर भरोसा रहे वही ना बायोलॉजी का एडमिशन करे ले रहे। तो इसको एक साधारण लैंग्वेज में कहते हैं, अगर जानवे करता है घरघराना कि बड़ू तू है बेवफा सनम, अरे बायोलॉजी बोल के तू मैथ से काहे ला एडमिशन करायलू, तू है बेवफा सनम, अरे बायोलॉजी बोल के तू मैथ से एडमिशन काहे ला करायलू, तू तो मटवी के रोज कलास में चंद, तू तो बोलत रहेलू कि हम बायोलॉजी से एडमिशन कराई और साथ में तो हम पढ़ाई तोरे संगे करब और क्लास में तो, और साथ में तो हम पढ़ाई तोरे संग करब लेकिन क्लासों में तोरा के तो हम, लेकिन क्लासों में हम तोरा के तो हम मास्टरवा से तो खूबे पिटाई कराई। अरे अरे जिकरा पर भरोसा रहे वही ना बायोलॉजी के एडमिशन कराई ले रहे, वही ना बायोलॉजी से एडमिशन कराई ले रहे। ये आपको समझ में आ चुका होगा, ये आपको एंटरटेनमेंट में एंटरटेनमेंट के लिए बोली, तुम्हारी इतना समझ में आ गया, पहले ये है तब ये। तो जय जवान।